Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. Carewell Consultant, all types of online work. Taj Dhaba, Family Dhaba, veg and non-veg. आइए डालते हैं आज की हेडलाइंस पर एक नजर। एमपी भगवंत खोबा की ओर से गांधी संकल्प यात्रा निकाली गई। ईद मिलाद के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। हरगुड़ स्वामी के 57वें जन्मदिन के मौके पर सभा भवन में सम्मान कार्यक्रम रखा गया। बीके न्यूज में आपका स्वागत है, मैं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। एमपी भगवंत खोबा गांधी जी के 150वें जन्मदिन के मौके पर बीदर डिस्ट्रिक्ट में गांधी संकल्प यात्रा निकाली। पिछले दो दिनों से एमपी भगवंत खोबा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बसवकल्याण तालुके के अलग अलग गांवों का दौरा किया। भगवंत खोबा ने कहा कि हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का सबसे बड़ा योगदान था, जो अंग्रेजों के हाथों में रहा। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य संकल्प का पालन करने को कहा कि गाँव के विकास से ही देश का विकास संभव है। ಹೀಗಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗಾಗಿ ವಿಷಮುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗೋರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೋವಿನ ಹಾಲನ್ನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಇನ್ನಿತರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕನ್ನುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರೈತರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಕಡಲಾರದಂತೆ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ईद मिलाद के मौके पर कर्नाटका आटोनगर टेक्नोक्रेट्स एसोसिएशन और यूथ कांग्रेस की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप 10 नवंबर 2019 को मामू फंक्शन हॉल में रखा गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरात, एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि हर साल की तरह ईद मिलाद का जुलूस जलसा होता है। ऐसे खुश आइंद मौके पर कर्नाटक टेक्नोक्रेट और यूथ कांग्रेस की जानिब से ब्लड कैंप का जो है अहतमाम किया गया है। ब्लड डोनेट करने के लिए सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5:30-6 बजे तक के गांधी चौक मामू फंक्शन हॉल में उसका अहतमाम है, और बिलखसूस 12 रबी उल अव्वल को 1:30 बजे बारगाह हुसैन से जुलूस निकलेगा, और जुलूस के इफ्तिताह में एक फ्री एम्बुलेंस शेर फॉर बैतुलमाल की जानिब से उसका अहतमाम किया गया है बारगाह हुसैन की कमान में, उसका इफ्तिताह करके वहां से जुलूस की रवानगी अमल में आएगी और गांधी चौक पहुंचकर ये जुलूस जलसा में तब्दील हो जाएगा। वहां पर मुखरीन के खिताबात होंगे। डॉक्टर परम पूज्य चन्नवीर शिवाचार्य स्वामी के 57वें जन्मदिन के मौके पर सभा भवन में सम्मान कार्यक्रम रखा गया। बी नारायण राव MLA, बसवलिंगा पट्टा देवरु, यशोदा नीलकंठ राठौड़, सावित्री शरणु सालगर, इनके अलावा और कई लोग मौजूद रहे। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।